Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmed Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmed Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena Wembley. Book your tickets now. मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैं तो उस गलती की भी माफी मांग चुकी हूँ जो मैंने की ही नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो आप मुझे साफ साफ कह देना। जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें हंस के सहते रहे हम सभी, चाहतूं मैं मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए अजनबी, जाने की करां जाने की करां दिल बे आपने आपने तो आधा घंटा करना था, ये तो सिर्फ 6 मिनट है। सांस चढ़ रहा है बहुत, चक्कर भी आ रही है। तो क्या जरूरत है करने की? आपका फिगर ठीक तो है। कहाँ ठीक है माहीन, हारून भी हर वक्त टोकते रहते हैं। छोड़े उनको, मर्द तो सारे एक जैसे होते हैं, बीवियों से ना खुश। चलिए मैंने आपके लिए पास्ता बनाया, बहुत मजे का है। नहीं माहीन, दिल नहीं कर रहा। चले ना।
प्लीज पर्दे बंद कर दें, मेरी आंखों में रोशनी लग रही है। क्या हो गया यार तुम्हें? बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं लंच टाइम में सिर्फ इसलिए घर आया हूं कि तुम्हारे साथ लंच करने की बाहर जाऊं। उठो तैयार हो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरी आंखों में अंधेरा आ रहा है अरुण, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? घर बच्चे सब कुछ डिस्टर्ब है, तुम्हें अंदाजा भी है। नायला इसे एक बुरा हादसा समझकर भूलने की कोशिश करो, एक माह से ज्यादा हो गया, भूल जाओ। अब इसे नहीं भुलाया जा रहा, इसको नहीं जाना चाहिए था और इसको नहीं जाना चाहिए। देखो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, वो बच्चा हमारे नसीब में नहीं था। बहुत कोशिश करती हूँ खुद को समझाने की, नहीं सफर आ रहा मुझे। नायला डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि तुम्हें कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ विल पावर की जरूरत है। बच्चों की खातिर, घर की खातिर, मेरी खातिर तुम्हें दोबारा जिंदगी से प्यार करना है। सच कहो नायला, घर में सब कुछ बेतरतीब हो गया तुम्हारे बगैर, सब कुछ बिखर गया है। और खुद को देखो कैसे बेरंग हो गई हो तुम। ऐसे खुदा ना खास्ता तुम खुद को कोई रोग लगा लोगी। खुद को संभालो नायला, ये तो वो नायला ही नहीं है जिसे मैंने टूटकर मोहब्बत की थी। प्लीज संभालो खुद को। मंगनी? हाँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करो। और क्या हर्ज है अगर बड़ों में बात तय हो जाए तो? क्या तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? बुरी क्यों लगेगी मोहिस, लेकिन मुझे ये खुद गर्जी लगती है। क्या मतलब? मोहिस, खाला को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। खालू के बाद उन्होंने जैसे तुम तीनों बच्चों को पाला है वो सिर्फ वही जानती हैं। सदफ पाजी के रिश्ते के लिए वो इतनी बेचैन है, और अगर इस सब में तुम अपना रिश्ता लेकर चले जाओगे तो सोचो उनको कितना दुख होगा। और सदफ आप भी हर्ट होंगी ये बात सोच के कि मतलब शायद वो तुम्हें बोझ लगने लगी हैं। देखो बात कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जरा सदफ आप की बात पहले पक्की हो जाए, ये वाला मसला हल हो जाए, फिर तुम अपनी बात करते हुए भी अच्छे लगोगे और मेरे पास कोई वजह नहीं होगी तुम्हें रोकने के लिए। तुम सही कह रही, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, बस तुम्हारे और अपने बारे में ही सोचता रहा।
मम्मी की परेशानी का तो एहसास ही नहीं रहा मुझे। या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। थैंक यू मोहिस, कि दिल के रिश्तों को दुनियावी ऐलान की जरूरत नहीं होती। चलो अब जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। हाँ। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि तुम्हें कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ विल पावर की जरूरत है। बच्चों की खातिर, घर की खातिर, मेरी खातिर तुम्हें दोबारा जिंदगी से प्यार करना है। सच कौन है ना, घर में सब कुछ बेतरतीब हो गया, तुम्हारे बगैर सब कुछ बिखर गया है। और खुद को देखो, कैसे बेरंग हो गई हो तुम। ऐसे खुदा ना खास्ता तुम खुद को कोई रोग लगा लोगे। वो नायला ही नहीं है जिससे मैंने टूटकर मोहब्बत की थी। अगर ये सब मेरा होता तो मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरी आंखों में अंधेरा आ रहा है हारून, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। उसे तो किसी की भी परवाह नहीं, ना बच्चों की ना घर की, हता कि मेरी भी नहीं। कैसे समझाऊं उसे? सर आप अभी बैठेंगे? नहीं, मैं घर निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। ड्राइवर से कहो गाड़ी ले पाए।
जी सर। वही वो मीरू को मैंने बुलाया था, सुबह से देखा नहीं। तुम प्लीज रसिया को कहो ना मीरू को लेकर आए। वो मीरू तो सो गई है एक्चुअली, आजकल स्कूल के रिहर्सल में बहुत थक जाती है ना वो, इस वजह से सो गई। खाना खाए बगैर सो गई? ऐसा हो सकता है कि मैं उसे खाना खिलाए बगैर सोने दूं? खाना खा के सोइए। और अब आप भी खाना खा लें। अरुण नहीं आया तक। उनका फोन आया था ना कि वो लेट हो जाएंगे, आप खाना खा लें, आपने दवाई भी खानी है। हाय, बहुत अच्छी हो। इस वक्त जिस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तुमने कैसे मेरे घर को संभाल के रखा हुआ, मेरे बच्चों को संभाला हुआ है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती। ऐसी बातें कर रही हैं आप ही, एहसान तो आपके मुझ पर है जो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। खाला को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। खालू के बाद उन्होंने जैसे तुम तीनों बच्चों को पाला है वो सिर्फ वही जानती हैं। सदफ पाजी के रिश्ते के लिए वो इतनी बेचैन है, और अगर इस सब में तुम अपना रिश्ता लेकर चले जाओगे तो सोचो उनको कितना दुख होगा। और सदफ आप भी हर्ट होंगी ये बात सोच के कि मतलब शायद वो तुम्हें बोझ लगने लगी है। मैं क्या करूं, मेरी बेचैनी, बेकरारी, माही मैं तुम्हें क्यों समझा नहीं पा रहा। बंद कर इसे, घर में चैन की नींद सो भी नहीं सकता मैं सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद। क्या हो गया मोइस? मुझे क्या होना है, लेकिन आपने एक कसम खाई हुई है कि किसी को सुकून से नहीं रहने देंगे आप। सारा दिन मैं ऑफिस में काम करता हूँ, घर आता हूँ आराम के लिए, आप क्या चाहती हैं मैं घर में ना आया करूं? मैं तो बस मोइस, हमें आप इन्हें कह दें अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें एक सजा मत दें। नायरा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
मेरे लिए तैयार होने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तू नाला के कपड़ों है वो मैं उनकी अलमारी ठीक कर रही थी तो मैंने सोचा मैं पहन के देख ली। बकवास बंद करो। यू I will kill you for this. I'm sorry, मैं बस चेंज ही करने जा रही थी। I'm sorry. तुमने जुर्रत कैसे की? How dare you? जान से मार दूँगा, गला दबा दूँगा तुम्हारा। माहीन आके खोलो। माहीन ठीक हो? माहीन तुम ठीक? माहीन तुम ठीक हो ना? आपकी आवाज कैसी थी? मैं तो अकेले कमरे में डरी गई थी। अकेले कमरे में रहने का इंतखाब तुम्हारा अपना था। तुम्हारा शोक तो शायद कभी खत्म नहीं होगा। मुझसे क्या गिला करती हो? वो आपका भी कुछ लगता था हारून। नहला बस कर दो। खुदा के कामों में दखल देकर अपने साथ साथ मुझे भी गुनहगार क्यों कर रही हो? वो नहीं था हमारे नसीब में तो क्या करें? नाउज़ुबिल्लाह खुदा से लड़े क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कोशिश कर रही हूं मैं, कोशिश कर रही हूं सब कुछ भूलने की। नहला, कभी कभी हम चीजों को ठीक करने में इतनी देर कर देते हैं कि वो चीजें कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं होती हैं। ये सोचा तुमने? हारून, इस बात को इतनी भी देर नहीं हुई अभी। ये तुम्हें लगता है या किसी खुशफहमी में मुब्तला हो तुम? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। बताइए हारून। या नैला, मैं पूरा दिन काम करके थक के घर आया हूं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि तुम्हारे उल्टे सीधे सवालों का जवाब दूं इस वक्त। सोचो। मैं खाना लगा देती हूं। ख्याल करने का शुक्रिया। मैं खाना खा के आया हूं।
थैंक यू। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझसे? क्या सोचते होंगे वो कि मैं कैसी लड़की हूं? मुझसे क्या हो गया? मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया कि वो नायला नहीं है? वो तो हम यहां पर नहीं कह रहे। अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें एक सजा मत दे। जिस बात का डर था वो ही हुई आखिरकार। अच्छा चल, बस कर देना, कर ले नाश्ता। कब से रोए जा रही है, नाश्ता कर। नहीं, मैंने तुम्हें उसको कुछ भी नहीं कहा। मशीन भी नहीं है, आपको तो पता है, उसकी आवाज भी नहीं होती। फिर भी पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आ गया। आधी रात को काम करने की क्या जरूरत थी? खुद भी बेआराम हुई और उसको भी किया। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा उठकर काम कर लूं। इसमें क्या गलत किया मैंने? अच्छा बस ना, बस अब आइंदा से आधी रातों काम नहीं करना, बस। अम्मी, मुझे इतने ऑर्डर्स मिले हुए, मैं कैसे पूरे करूंगी? अरे माजरत कर लेना, कौन नहीं कर सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। अम्मी देखो, मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपने घर का सुकून देखना चाहिए। रुपया पैसा सोना सब कुछ बेकार है अगर घर का सुकून नहीं है तो। आई समझ तुझे? अम्मी मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं अगर मसरूफ नहीं रहूंगी, काम नहीं करूंगी तो मेरी सोचें मुझे पागल कर देंगी। क्या आप चाहती हैं मैं पागल हो जाऊं? अकेले कमरे में रहने का इंतखाब तुम्हारा अपना था। तुम्हारा इस सुख तो शायद कभी खत्म नहीं होगा। अच्छे का किला करती हो। हारून को जरा भी मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। मैं जिस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, मैं जान बूझ कर तो इस सोग में नहीं हूँ, फिर भी वो ऐसा कह रहा है। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये फूलियाँ किसने रखे हैं? जी सर। ये फूलियाँ किसने रखे हैं? आइंदा मेरे ऑफिस के अंदर रेड रोज कभी नहीं आएंगे, समझे? लेके जाओ इन्हें। जी सर। चलिए कपड़े छोड़, चल मेरे साथ। अमीन अभी ऑफिस से आया, मैं बस कपड़े बदल। हाँ मुझे पता है, थका हुआ है ना तुम, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना कहाँ जाना है, सारी थकन उतर जाएगी। चल। क्या मतलब? मेरे साथ अभी और इसी वक्त नायला के घर चल। आज मैं तेरी आंखों के सामने माहीन का हाथ मांगूंगी तेरे लिए, फिर जो भी बात होगी सामने होगी, ताकि मेरे बारे में गलतफहमी दूर हो जाए तेरी। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा अमीन? तू ये समझता है ना कि मैं नहीं चाहती माहीन से तेरी शादी हो, इसीलिए हेले बहाने ढूंढ रही। आज ये उज़र भी खत्म हो जाएगा, इसलिए चल मेरे साथ। अरे अमीन ऐसी भी क्या जल्दी, थोड़ा रुक जाए प्लीज। जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी तुझे है। तू समझता है कि सदफ की वजह से मैं तेरे मामले में जानबूझ के देर कर रही हूँ? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसा सोचता नहीं ना तो रात जो कुछ सदफ को कहा है वो कभी ना कहता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना उदास कैसे हो सकता है अपनी बहन के मामले में। अरे वो तो पहले ही दुखों की मारी है, जो कुछ उसके साथ हुआ है और जो कुछ मुसलसल होता चला जा रहा है, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अमीबा खुदा मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है। काश काश तू जानता होता, तुझे एहसास होता तो उसके दुखी दिल को और जख्मी ना करता तू। अम्मी, 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 नन, सही लिखा है, बस ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो बाकी। क्या होमवर्क? जी। माही ये देखो, ये जोड़ा फंसा फंसा तो नहीं लग रहा मेरे ऊपर? सॉरी टू से आप भी, लेकिन जरा नहीं अच्छा लग रहा। Mama, you look pretty. Thank you. पानी में खेलने जा रही हूँ। तुम्हें पता है पिछले दो घंटे से 6 आउटफिट्स ट्राई कर चुकी हूँ, ये फंसा फंसा के अब आया है, पता नहीं क्या हो गया है, फिट ही नहीं आ रहा है मुझे। सांस फूल गई है, सोचा था थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। हारून को लगे तब मैं इस कैफे से निकलना चाह रही हूँ, बेजार हो गए वो मुझसे। हारून भाई को ये कलर पसंद है? उनको बहुत पसंद था ये आउटफिट, दो बार ही पहना है मैंने, लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा, मतलब अगर गौर से देखो तो पता चलता है, वरना सही है, कलर भी आप पे सूट कर रहा है और थोड़ा सा मेकअप कर लेंगी तो अच्छी लगेंगी। सच बताऊं तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा, इतना टाइट हो गया। इतना बुरा नहीं लग रहा जितना आप सोच रही हैं, गौर से देखो तो लगता है, तो पहन ले, कोई बात नहीं। सच कह रही हो, ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी। सारून को भी पसंद आ जाए, आई थिंक ऐसे ठीक है, तैयार होने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं किस बात की सुस्ती हो गई है।
मीरू कहाँ बेटा?